हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? उम्मीद है आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज 27 जुलाई 2024 से छत्तीसगढ़ से जितने भी महत्वपूर्ण करेंट अफेयर बनते हैं उसको इस वीडियो में हम देखेंगे, और साथ ही इस वीडियो का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ में तेंदुपत्ता संग्राहक परिवारों को चरण पादुका प्रदाय करने हेतु कितने करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं 5 करोड़, 3 करोड़, 2 करोड़, 20 करोड़। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। 5 करोड़ का क्या है प्रावधान अतिरिक्त किया गया है चरण पादुका। और जो अभी वर्तमान में तेंदुपत्ता का बारह बोरा कितना है तो 5500 रुपये है, और इसी में 100 प्लस करके इसको अभी वर्तमान में कितना चल रहा है तो 5600 मानक बोरा चल रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। खेलो इंडिया वेटलिफ्टिंग महिला नोजल लिंक लुकेश्वरी साहू ने कौन सा पदक जीता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कांस्य पदक, स्वर्ण पदक, रजत पदक, इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, कांस्य पदक जीता है। और यहाँ कहाँ हो रहा है तो यहाँ उड़ीसा में हो रहा था, ठीक है, जिसमें खेलो इंडिया वेटलिफ्टिंग महिला में कौन सा पदक जीता है तो कांस्य पदक जीता है। अब लोकेश्वरी साहू किस जिले से संबंधित है तो लोकेश्वरी जो साहू है वह रायपुर ज़िले से संबंधित है, क्योंकि आजकल क्वेश्चन अलग अलग टाइप के पूछे जा रहे हैं, उनके गांव, उनके ज़िला और यह खेल कहाँ खेला गया, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, तो डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप भी ट्राई कर सकते हैं, उत्तर देने का प्रयास करिए। आंसर गलत हो या सही आप कमेंट जरूर करिए। छत्तीसगढ़ में वर्ष 2024-25 के लिए प्रथम अनुपूरक में कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 7,329 करोड़ रुपए, 5,200 करोड़ रुपए, 10,140 करोड़ रुपए, 1,100 करोड़ रुपए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 7,329 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। और यह किसके लिए है तो यह प्रथम अनुपूरक में, ठीक है, क्योंकि अभी छत्तीसगढ़ में क्या है बजट सत्र चल रहा है, ठीक है, तो इसमें जिस जिसके लिए प्रावधान है अतिरिक्त उसके फंड को क्या वहां पर पेश करना पड़ता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये वेरी वेरी आई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, आने वाले एग्जाम में पूछे ही जाएंगे, क्योंकि यह नया क्वेश्चन है। प्रदेश में नए आपराधिक कानून लागू होने के बाद छत्तीसगढ़ का पहला केस किस जिले में आया है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको कहीं पर नोट कर लीजिए, ये आने ही आने वाला है। ऑप्शन दिए गए हैं, कवर्धा, रायपुर, भोपाल, बिलासपुर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, कवर्धा जिले में इसका पहला केस आया है, ठीक है। यहाँ छत्तीसगढ़ की बात हो रही है, ठीक है, छत्तीसगढ़ में जो नया कानून लागू किया गया है और उसका जो पहला केस है वह कवर्धा में दर्ज हुआ है, दूसरा केस राजधानी रायपुर में हुआ है। ये अपना हमारे जो छत्तीसगढ़ राज्य का केस है। और यदि कौन सा राज्य में, ठीक है, यदि क्वेश्चन पूछ लिया जाए पहला जो आपराधिक कानून है कौन सा राज्य में इसका पहला केस दर्ज किया गया तो भोपाल, ठीक है। अब भोपाल किसकी राजधानी समझ लो तो भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है, ठीक है, भोपाल में क्या है इसका पहला केस दर्ज किया गया था। उसके बाद अपने छत्तीसगढ़ में पहला जिला कवर्धा है और दूसरा केस
रायपुर में मिला है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन वेरी आईएमपी है, आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो यह मध्य प्रदेश से है एक केस और अपना छत्तीसगढ़ से दो केस, ठीक है, ऐसे रिलेटेड करके आप याद रखिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में विमोचित पुस्तक छत्तीसगढ़ की विभूति के रचनाकार कौन है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, कृष्ण चौहान, जागेश्वर प्रसाद, बबीता श्रीवास, अनीता तिवारी। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, जागेश्वर प्रसाद जी क्या है इनके रचनाकार है, ठीक है, इसको विमोचित किया गया है। ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। यदि मेरे इस वीडियो से यदि आपको हेल्पफुल मिला हो तब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग इंडिया गार्डन।